दोस्तों इस वीडियो में डिजीजेस एंड देयर कजिंग माइक्रो ऑर्गेनाइजिंग यानी रोग और वो किससे होता है, ओके, उसका कारक कौन है, वो सब याद करेंगे इस वीडियो में, वो भी एक मज़ेदार ट्रिक से, ओके, ऐसा ट्रिक जिससे कि आप कभी इसको भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों एग्जाम में अक्सर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोलेरा डिजीज किस माइक्रो ऑर्गेनाइजिम से होता है, ओके, ट्यूबरकुलोसिस किससे होता है, एड्स किससे होता है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। दोस्तों ये सबको याद करना भी थोड़ा काफ़ी कन्फ्यूजिंग है, इसलिए सब एग्जाम में गलत करके आते हैं, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपका कभी भी और दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल का आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मैं जब भी इस तरह के ट्रिक अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दुनिया के ज़्यादातर रोग बीमार सिर्फ 5 ऑर्गेनिज्म से होते हैं, ओके, 5 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, वो क्या है, वायरस, ओके, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड ओम्स। एग्जाम में भी ज़्यादातर क्वेश्चन इसी से ही आते हैं, इनमें से कौन प्रोटोजोआन डिजीज है या इनमें से कौन ओम्स के रिलेटेड डिजीज है, ओके, एक डिजीज देगा जैसे कि टीटानस, वो किससे होता है, ओके, इस तरह के सवाल आते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहले देखते हैं डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, जीवाणुओं के द्वारा रोग, वो हैं डिप्थीरिया, कोलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीटानस, टाइफाइड, प्लेग, हुपिंग कॉफ एंड सिफिलिस। ये बैक्टीरिया के 8 सिलेक्टेड डिजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से ही आते हैं। आपको याद करना है कि ये सारे डिजीज बैक्टीरिया से होते हैं। सारे डिजीज को याद करना फुल क्लैरिटी के साथ थोड़ा मुश्किल है, कन्फ्यूजिंग है, इसलिए आपके लिए मैं एक बढ़िया सा ट्रिक लाया हूँ जिसमें कि दो भाई आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या बातचीत कर रहे हैं। बैक्टीरिया ने बोला, भाई डिप्थीरिया, ये दोनों भाई हैं, हुप हुप के खांसना बंद कर और फिलिप ट्यूब का प्लग को लगा दे और टेंट भी लगा दे क्योंकि टाइफून आने वाला है। देखिए इस बातचीत को आप रट लीजिए, इसमें से आपको सारा डिजीज याद रह जाएंगे। देखिए मैं कैसे रिलेट करता हूँ, बैक्टीरिया से सारे डिजीज होते हैं। देखिए डिप्थीरिया, हुप हुप से हुपिंग कफ, फिलिप से सिफिलिस, ट्यूब से ट्यूबरकुलोसिस, प्लग से प्लेग, टेंट से टीटानस, टाइफून से टाइफॉइड, को से कोलेरा। दोस्तों लोग ट्रिक बनाते हैं, सिर्फ पहला डिजिट को लेते हैं, जैसे DCTTTP, ऐसे आपको कभी नहीं करना है। ऐसा करने से कुछ फायदा नहीं होता। आप खुद से इस वीडियो को पॉज करके इस बातचीत को दो बार पढ़ लो, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि सभी याद हो जाएंगे। फिर आते हैं डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ। इससे होने वाले रोग में से 7 बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, क्वेश्चन आता है तो इसमें से ही आता है, इससे बाहर क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, डायरिया, अमीबियासिस, लिस्मानियासिस, ट्रिपानोसोमियासिस। इसको भी याद करने के लिए मैं एक लाजवाब ट्रिक बनाया हूँ। वो एक लड़का आशीष के बारे में है, जिसमें आशीष जो कि एक लेजी लड़का है, उसका मम्मी ने उसको प्रो आशीष बनाना चाहते हैं। प्रो का मतलब थोड़ा और भी स्मार्ट। इसलिए उसका मम्मी क्या करती है, चलिए देखते हैं। जब आशीष सो रहा था उसकी माँ ने उसको प्रो आशीष बनाने के लिए काला डाई लगा दिया। देखिए इससे मैं कैसे रिलेट करता हूँ सारा डिजीज को। देखिए अमीबियासिस, लिस्मानियासिस और ट्रिपानोसोमियासिस, देखिए तीनों में आशीष 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 है, तो किसी भी डिजीज में अगर आशीष है तो वो प्रोटोजोआ से होगा, ओके। देखिए उसकी माँ से आ गया मलेरिया, प्रो से आ गया प्रोटोजोआ। देखिए प्रोटोजोआ अगर इसमें नहीं इस ट्रिक के अंदर नहीं डालेंगे तो आपको कन्फ्यूजन आ जाएगा कि ये किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है या वायरस से होता है, इसलिए मैं प्रोटोजोआ को भी डाल दिया हूँ। देखिए फिर आता है काला से कालाजार, उसके बाद डाई से क्या है, डायरिया, सो रहा है मतलब वो स्लीपिंग कर रहा है, स्लीपिंग सिकनेस। इसको भी वीडियो पॉज करके दो बार पढ़ लीजिए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये भी आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे डिजीज। फिर हम आते हैं फंगल डिजीज, जिसमें कि 5 इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से ही आते हैं, इससे बाहर कभी नहीं आता, ओके। वो है रिंग वर्म, एथलीट्स फुट, एस्परजिलस, माइकोसिस एंड स्किन इन्फेक्शन। देखिए फंगल डिजीज से सारे डिजीज, जितने भी डिजीज होते हैं, सब स्किन से प्रॉब्लम होते हैं, ओके, ये सारे के सारे स्किन डिजीजेस हैं।
तो इसको भी याद करने के लिए मैं एक लाजवाब ट्रिक बनाया हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। ये ट्रिक है एक एथलीट्स के बारे में जिसका पैर एक रिंग के अंदर फंस गया है, वो उसको निकालने का कोशिश कर रहा है। तो चलिए ट्रिक पढ़ते हैं। एक एथलीट अपना पैर के त्वचा पर, त्वचा का मतलब होता है स्किन पर, जेल लगा के रिंग से निकलने का कोशिश किया। देखिए मैं इससे कैसे रिलेट करता हूँ। एथलीट से हो गया हमारा एथलीट फीट, त्वचा से हो गया, त्वचा का मतलब होता है स्किन, स्किन इन्फेक्शन, कोशिश से हो गया माइकोसिस, रिंग से हो गया रिंगसोन, जेल से हो गया जिलस, एस्परजिलस। दोस्तों ये रिंग ऑर्म को थोड़ा ध्यान से याद कीजिए क्योंकि ये ओम से नहीं होता, फंगी से होता है। दोस्तों यहाँ पे एक छूट गया है, यहाँ पे होगा त्वचा पर वो मजे से लगा रहा था। मजे का मतलब होता है फन, फन का फन से याद कीजिए फंगी, नहीं तो आपको सारे डिजीज याद हो जाएगा लेकिन ये किससे होता है वो पता नहीं चलेगा, इसलिए यहाँ पे ऐड कर दीजिए मजे। मजे का मतलब होता है फन, फन किससे आया है, फंगी से। इसको भी खुद से 2-3 बार पढ़ लीजिए, सारे डिजीज याद हो जाएंगे। दोस्तों फिर देखते हैं डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स। इसमें सिर्फ 5 इंपॉर्टेंट डिजीज हैं, वो हैं फ्लैट वर्म, राउंड वर्म, गिनिया वर्म, पिन वर्म एंड फाइलेरियस फाइलेरिया। ओके, इसमें ट्रिक का कुछ जरूरत नहीं है। देखिए सब में वर्म है, ये भी वर्म है, राउंड वर्म, गिनिया वर्म, पिन वर्म, ये सब ह्यूमन के डिजीज हैं। दोस्तों एक था रिंग वर्म जो कि फंगी से होता है, मैं उसको ट्रिक से आपको जो रिंग वाला ट्रिक बताया था उसमें याद हो गया। उसको छोड़ करके जितने भी वर्म हैं सब डिजीज कॉज्ड बाय वर्म में आ जाएंगे। और एक बचा फाइलेरिया, ये एक ही है, इसको तो आप याद कर सकते हैं, इसके लिए कुछ भी ट्रिक का जरूरत नहीं है, सिर्फ फाइलेरिया वर्म से होता है। दोस्तों हमने सबको याद कर लिया, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, डिजीज कॉज्ड बाय वर्म्स, डिजीज कॉज्ड बाय फंगी, और बचा क्या, सिर्फ वायरस बचा। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस में बहुत सारे डिजीज आएंगे जिनमें से इम्पोर्टेंट हैं जिका फीवर, डेंगू फीवर, इसको ब्रेकबोन फीवर भी कहा जाता है, मंकी पॉक्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस ई एंड हेपेटाइटिस बी, लसा फीवर, चिकन पॉक्स, मिजिल्स, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, इसको कॉमन कोल्ड भी कहा जाता है, मॉम्स, रेबीज, एड्स। दोस्तों वायरस से बहुत सारे डिजीज होते हैं, डिजीज का ट्रिक थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए आपको उस 4 को ठीक से याद करना है जो बोला था अभी, फंगी, बैक्टीरिया, वर्म्स एंड प्रोटोजोआ, वो सबको ठीक से याद कर लीजिए, और बाकी जितना भी डिजीज आएगा तो उसमें डायरेक्ट वायरस लगा देना, आपका आंसर ठीक होगा। और भी दोस्त देख रहे हैं आजकल नया नया डिजीज भी निकल रहा है, वो सब वायरस से ही होता है, जैसे अभी निकला था एक जापानीज एनसेफेलाइटिस, वो भी वायरस से ही होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो में प्लीज़ लाइक कर दीजिए और साथ साथ इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में, धन्यवाद।